गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आजादी का अमृत महोत्सव निमित्त आरबी विमान चैनल पे आज से हर रोज एक जहाज की जानकारी दी जाएगी। वो पहले 75 जहाज की जानकारी पूरी होने पे ये एक उपलब्धि हासिल की जाएगी आजादी का अमृत महोत्सव के निमित्त। उसके बाद भी दूसरा टारगेट रहेगा हर रोज एक जहाज की जानकारी, इस हिसाब से 365 डेज ईयर में 365 जहाज की जानकारी मैं दूंगा। जेंटलमैन, आइए देखते हैं पहला जहाज जगुआर एयरक्राफ्ट। जगुआर एयरक्राफ्ट पहला जहाज चुना गया है इसलिए कि मैं इसमें काम कर चुका हूँ। यह एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, अटैक एयरक्राफ्ट है, बहुत ही कारगर साबित होता है। शत्रु के पूरे इलाके में अंदर घुस के उस पर मारा कर सकता है, अटैक कर सकता है, बॉम्बार्डिंग कर सकता है, फाइट कर सकता है। इसका पहला स्क्वाड्रन 14 स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित बुल स्क्वाड्रन करके स्थापित हुआ। ये इसकी खरीदारी 26 जुलाई को 1979 में हुई। एक $1 बिलियन का डील, वो सबसे महंगा और पहला डील। जगुआर एयरक्राफ्ट दो जहाज कंपनी दो कंट्री में बनता है, एक यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये दोनों कंट्री का कोलैबोरेशन से ये जहाज की निर्मित होते हैं, इसलिए बहुत ही इफेक्टिव और ऑपरेशनल रेडी जहाज है। 4 डिकेड हो गया अपने भारतीय वायुसेना में इसकी सर्विस ये जहाज दे रहा है, और भी एक डिकेट प्लस देगा। इसको अद्यावत कहा जाता है क्योंकि हम डे टू डे इसका मॉडर्नाइजेशन मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी नई नई आती है उस हिसाब से इसमें सभी मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, और इसलिए आज भी हम लेटेस्ट जहाज कहते हैं 4 डिकेट पहले का जहाज होने के बावजूद भी। जेंटलमैन, इसको भारतीय नाम शमशेर से कहा जाता है, इसका निकनेम शमशेर, शमशेर मतलब स्वर्ड ऑफ जस्टिस। जेंटलमैन, ये जहाज बहुत ही इफेक्टिव है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। अभी रिसेंटली 1987 में IM करके मेरीटाइम मतलब समुद्री अटैक करने लायक भी जहाज हमने खरीदा है, उसको मेरीटाइम ऑपरेशंस बोलते हैं। जेंटलमैन, ये जगुआर जो जहाज है इसमें दो इंजिन लगे रहते हैं रोल्स-रॉयस के, और इसका अराउंड 1000 पाउंड के एट अ टाइम 8 बॉम्ब ये कैरी कर सकता है। इसमें दो एडन गन्स रहते हैं दोनों साइड में, इसमें एट अ टाइम एक पायलट बैठ जाता है, और उस उनको हेल्प के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा लगी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइट करने के लिए भी इसमें क्षमता है। इसमें अलग अलग रडार्स है, सबसे फ्रंट साइड में जहाँ ये नोज रहता है इधर लेसर रडार है, दोनों साइड में इंजिन से एक एक, ये एडिशनल फ्यूल टैंक्स भी कैरी करता है, पीछे दो एग्जस्ट रहते हैं, इसमें एक ही है तो दो इंजन के दो एग्जस्ट रहते हैं, और ये जहाज बहुत ही इफेक्टिव रहा है। जेंटलमैन, इसमें भारतीय वायुसेना में इसकी सर्विस है, इसके अलावा रॉयल एयरफोर्स में है, इसके अलावा फ्रांस एयरफोर्स में है, ऐसे कई देश में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका भी प्रोडक्शन स्टॉप है, इसका फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ था 1968 में और 81 तक चला। ये कुल 543 यूनिट्स प्रोडक्शन किया है और अपने इंडिया में 130 यूनिट्स है। जेंटलमैन, इसका रेंज है 3524 किलोमीटर और क्रूज स्पीड है 1593 अराउंड 1600 किलोमीटर पर आवर, और टॉप स्पीड है 1700 किलोमीटर पर आवर। जेंटलमैन, कुल भारत में इसके 6 स्क्वाड्रन्स हैं, इसमें नंबर 5 स्क्वाड्रन, नंबर 6, 14, 16, 77 एंड 24। इसमें से 2 स्क्वाड्रन में मैं काम कर चुका हूँ, उनके नाम से नंबर 5 स्क्वाड्रन को तस्कर से जाना जाता है, नंबर 6 को ड्रैगन्स में काम कर चुका है, 14 स्क्वाड्रन है अम्बाला में बुलेट बुल्स, 16 स्क्वाड्रन कोबराज, 27 स्क्वाड्रन फ्लेमिंग एरोज,
इंस्टीट्यूट फॉर वार लॉज इस नाम से जाना जाता है। जेंटलमैन, इसमें बहुत ही अत्याधुनिक यंत्रणा है, इसमें डॉन फोर्ट भी लगा सकते हैं, मतलब शत्रु के इलाके में इसे घूम के आने से एट अ टाइम 400 रडार्स को जाम कर सकता है और 250 रडार्स का डाटा पूरा कलेक्ट करके ला सकता है। इसमें अलग अलग रडार्स लगे हैं, अराउंड 19 रडार्स है, और अलग अलग वार हेड्स ये कैरी कर सकता है, अलग अलग रॉकेट्स, अलग अलग बॉम्ब्स, अलग अलग मिसाइल्स, फाइट मिसाइल्स, एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, ये सभी ये कैरी करके इसकी मारक क्षमता है और बहुत ही सक्सेसफुल साबित हो चुका है ये जहाज। तो इस जगुआर एयरक्राफ्ट को आरबी विमान चैनल से वार्म सैल्यूट ऑल द वे।